हुसैन की तरफ जा रहा हूँ जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तेमाल में ली थी और उन्होंने इसे इस्तेमाल किया था। तो ये भाई हमारे लिए दरवाज़ा खोलेंगे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ से जो है मंजर दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। तो अभी वो दरवाज़ा खोलेंगे, ये माशाल्लाह, ये चेक करें जी, ये ड्राइंग रूम लग रहा है मुझे और ये सोफे वगैरह उसी वक्त के हैं। ये दो चेयर्स पड़ी हुई हैं और लाइटें भी जल रही हैं, अभी तक ये ऑपरेशनल है। और ये दो परों वाले फैन छत के, और ये उसी वक्त की लाइटें हैं, अभी तक जल रही हैं। ये देखें फैन उन्होंने चलाया है, ठीक है। और ये फैन का बटन है, इससे फैन चलता है, ये फैन का बटन ऑफ ऑन, ठीक है। और ये लाइट्स के बटन है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे आपको चीजें दिखाते हैं। ये इधर आ गए हमने और ये है जी बेडरूम, जबरदस्त। आज की जो बिजनेस क्लास है उसमें भी इस तरह की चीजें नहीं होती, उस वक्त कायदे आजम ने ये चीज उनके इस्तेमाल में की और यकीनन वो अपने खर्चे से ये कुछ करते होंगे। और यहाँ पे भी फैन लगा हुआ है छत में और लाइटें जल रही हैं, और ये साथ में अटैच वॉशरूम भी है, मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए। और ये कमोड लगा है और ये नहाने वाला टब जो है यहाँ पर उस वक्त भी मौजूद था, और ये ऊपर टंकी पानी की, ये देखें। और ये शावर और ये जो है वॉश बेसन, और ये अलमारी है कपड़े वगैरह टांगने के लिए, ये नीचे ये अभी खुल नहीं रहा, शायद फिक्स किया हुआ है इन्होंने। और नीचे का ये ऐसा, इसका जो आगे दराज है वो नहीं है यहाँ पर। और ये वाला वॉशरूम जो है ये रूम के साथ भी अटैच है और बाहर से भी एक आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। और ये एक बड़ा वॉशरूम है जो इलादा से बनाया गया है, ये किसी कमरे के साथ अटैच नहीं है, ये इलादा से ये वॉशरूम बना है। और ये भी इसकी अलमारी है, ये आप चेक करें, ये बटन लाइट का, की तरफ हम चलते हैं मजीद चीजें। ये देखें, ये बेड और ये सामने और ये, इस ये सिंगार मेज, ये देखें इसका दराज, उसमें शीशा लगा हुआ है, जबरदस्त जी। आगे नेक्स्ट चलते हैं, और ये इधर भी एक गार्ड रूम है, और ये लेटने के लिए सोने के लिए, और ये भी एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा है, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ नहाने के लिए
ये शोर लगे यहाँ पर, इतनी जगह बनी है कि एक बंदा खड़ा होकर यहाँ पर नहा सके। और ये भी वो किचन है, ये देखें, ये चूल्हा रखा हुआ है। ये देखें ये हुड, उस वक्त के जमाने का हुड यहाँ पे लगा है, और यहाँ से ऊपर जो है वो हीट निकल के बाहर की तरफ जाती थी, नीचे चूल्हा। फिक्स है अभी, ये गीजर लगा हुआ है साथ। तो अभी यहाँ से मैं बाहर की तरफ निकलूंगा, और ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ये क्या है? ये सिग्नल के लिए यूज़ करते थे। अच्छा, क्रॉसिंग के लिए, रोड क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग और ग्रीन, इसमें सारा कैरोसिन ऑयल डालते थे। अच्छा, ये कैरोसिन से चलता है। और ठीक है, देखें ये कैलकुलेटर। अच्छा, इसमें जो भी माइनस प्लस करते हैं ये ऊपर आंसर वेर आ जाता है, 5 3 9। अच्छा, ये अच्छा वो टाइप राइटर की तरह ये भी है। ठीक है, जिस तरह टाइप राइटर ऑफिस वगैरह में बेल नहीं होती स्टाफ को बुलाने के लिए, रैटलर। अच्छा, ये उससे टकराते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, रैटलर है। ठीक है, स्टाफ के इस्तेमाल के लिए। और ये सामने ये क्या चीज़ है? ये सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं, ये सिग्नल के लिए। और ये पंडाल स्टैम्प स्टेपलर के तौर पे यूज़ करते हैं, लेटर वगैरह। अच्छा अच्छा, स्टैम्प लगाने के लिए। ये स्टेशन मास्टर का हेड। ठीक है, और ये घड़ी है? नहीं, ये गेज वगैरह के लिए। अच्छा, गेज है, गेज बेयर। ये स्टेशन मास्टर का हेड है। ठीक है, ये भी गेज एम्पेयर मीटर है। ये किस सन के, कौन सी तरीके के? इसमें हम लिखे NW और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के हैं, ये 150 ईयर्स ओल्ड हैं। अच्छा ठीक, ये 303 गन्स। ठीक है, ये 1897 बेल्जियम की बनी हुई है, इसमें जब बुलेट्स वगैरह ख़त्म हो जाती है ये फिर आगे संगीन लगा हुआ है इसके साथ बात करते हैं। अच्छा, ये बेल्जियम की है।
और ये डिफरेंट मीटर्स वगैरह हैं, ये आप देखिए अम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, किलो वोल्ट मीटर्स, ठीक है। ये नीचे की ये नीचे ये बेल बेल है, अच्छा ये बेल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक मीटर है, ये इमरजेंसी सायरन, अच्छा किसी और ये रैटलर है ऑफिस में, बेल जो जी स्टाफ को बुलाने के लिए ऑफिसर, ठीक है ठीक है, सही हो गया। मट्टी के चीज जलने वाला हीटर, लॉर्ड माउंटबेटन के अंदर इस्तेमाल किया, अच्छा लॉर्ड माउंटबेटन ने इस्तेमाल किया, ये केरोसिन ऑयल से मिलता, ठीक ठीक है। ये जो बाहर आपने स्टीम इंजन देखी है उनके, जी जी जी, अच्छा उनके टूब्स हैं, और ये मशाल, अच्छा 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 मशाल, ठीक। ये भी ट्रैक के लिए यूज करते हैं, ये ऑयल डाल के, ठीक है। ये साथ में ये क्या, ये बॉक्स, ये आरटी मेरा, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल मेरा के लिए, ये डीजल इंजन, सही। ये सारा फर्स्ट एड सर्जिकल का है, अच्छा फर्स्ट एड है, ये बैंडेजेस, ये सारा लंदन का बना हुआ है, ये डेंटल के लिए यूज करते थे, और ये ऑपरेशन वगैरह के लिए, स्ट्रेचिंग, बोन्स कटिंग के लिए बैंडेजेस, अच्छा ये कोई हॉस्पिटल वगैरह भी था इधर, आगे आप देखेंगे रिलीव ट्रेन है फर्स्ट, तो कोई ड्रिल्स वगैरह हो जाती थी तो ये स्मॉल प्लस डॉक्टर साथ लेकर जाते, अच्छा अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह यूज करते हैं, सही सही ठीक। ये नीचे के चीज़ें वाटर जा रहे हैं, अच्छा ये कान साफ करने के लिए, ये इंजेक्शन, अच्छा ये ठीक, और ये बाकी उसके साथ सर्जिकल, ठीक है सर्जिकल सामान है। ये बुलेट ट्रेन सी पैक का हिस्सा है, अच्छा ये ट्रेन, ठीक है। ये कितने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी, ये तो अभी बनेगी तो नहीं, वैसे इसकी कोई होगा ना इनका आइडिया, और ये किस टाइम की ये घड़ी है, ये पुरानी घड़ी है, ये सारी जो है ना ब्रिटिश टाइम की, 150 इयर्स ओल्ड है, ठीक आज से 150 इयर्स ओल्ड। इस तरह ये ऊपर आप देखें ना, ये घड़ी है जिलेट एंड जॉनसन कंपनी की, ये 1899 NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, काफी चीजों में NWR, जी जी बिल्कुल, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे लिखा होगा, 1899 की है। ये फंक्शनल है, चलती है, कुछ गाड़ियां चलती हैं, कुछ ये फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज, लाहौर से हनीवाल की तरफ एक ट्रेन चल रही थी इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है, ये इसके फ्यूज इंसुलेटर और ये टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉर्च,
ये डीसी फैन है, बैटरीज वगैरह पे चलती थी, इन्हें 10-12 वोल्टेज चाहिए होता था। ये अभी जो आपने एक सैलून देखा होगा कायद आजम मोहम्मद अलीना और लास्ट वायस राय का, तो उसमें सारा डीसी हम उसको चार्ज करते हैं एक वीक के। ठीक है ठीक है, सही, हमने वो चला के भी देखी। ठीक है, ये फैन थे वहाँ पे भी। ये क्या चीज़ है, ये लाइट का कवर। अच्छा, बैटरी से चलने वाला हीटर। ये वी आई पी सैलून ट्रेन वगैरह में यूज़ होते रहे हैं। सही, ये इसके रॉड वगैरह एलिमेंट लगे हुए इसके। ठीक है, ये अभी खुद लगाया है या उस वक्त का ही है? नहीं, ये पुराना है। बैटरी इनके अंदर ही है या? नहीं, लादा से चार्ज होता है। ये टॉन्ग टेस्टर और ये फ़ोन, ये मूवमेंट फ़ोन, ये अभी भी यूज़ होते हैं। अच्छा, सिग्नल स्टाफ यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा, ये मोरस कोड टेलीग्राफ मैसेज कन्वे कर रहे हैं। मैसेज किस तरह का ये? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये पिशावर से लेके कराची तक ट्रैक के साथ वायर होती थी, ये उसके साथ कनेक्ट करते थे। ये स्टेशन मास्टर और टू स्टेशन मास्टर, इनकी अपनी लैंग्वेज वगैरह होती थी। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये वॉकी टॉकी वन वे। हेलो हेलो, ठीक। ये फोन डायलर, ये 1909 की डेल। वार में कैप्चर किया था इंडिया से, खेम करंट स्टेशन से। अच्छा, वॉल टॉकर मशीन है ये। किस चीज़ की मशीन? नील वॉल टॉकर मशीन। ये 65 की वार में कैप्चर किया था इंडिया से, खेम करंट स्टेशन से। किस मकसद के लिए यूज होती थी? फर्ज करें यहाँ से ट्रेन जाएगी नेक्स्ट स्टेशन तक, तो पहले ये स्टेशन मास्टर कॉल करता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ आपको कोई ट्रैक में मसला तो नहीं। अच्छा, वो ओके करेगा, यहाँ से ये बॉल निकलेगी, ये बॉल ड्राइवर को देते हैं, ड्राइवर जाके नेक्स्ट स्टेशन पे जमा करवाएगा, तब जाके नेक्स्ट मंथ रास्ते में कोई गाड़ी खड़ी ना हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ठीक है ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेशन हमारा टेक्सला है, जिसमें ये कोड लगा हुआ है टेक्सला, और ये सिर्फ टेक्सला में जमा होगा। ठीक है, इससे इसके अलावा किसी में भी नहीं जमा करवा सकते। हेडफोन तो यही हर स्टेशन पे इस तरह के होते होंगे, और उनकी अपनी बॉज होती होंगी। ये 1904 का हेडफोन है ये। ठीक है हेलो, ठीक है। इसके ये चलता है नहीं, और ये डिफरेंट लाइट्स पे हैं सारी केरोसिन ऑयल। ये हैंड सिग्नल लाइट जो रात को गार्ड यूज़ करता था अपने डब्बे में स्टेशन मास्टर को दिखाने के लिए कि आपकी ट्रेन मुकम्मल है। ये ब्रास लैम्प वेटिंग रूम में यूज़ करते थे स्टेशन मास्टर और ऑफिसर। फ्लड लाइट, ये रात को ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए इसमें ये सारा कैरोसिन ऑयल डालते थे, इसकी 2-3 घंटे तक लगाए रहते थे। इसमें आप ये देखिए ऊपर ब्रास के स्विचेस वगैरह, ये अभी भी वर्किंग हुई है। अच्छा, तो ये कब के? ये भी पुराने हैं, अभी लाइट है, ये सारे वर्किंग हुई हैं। ठीक,
ऊपर आप फैन देखेंगे जो फर्स्ट वाला है इसका 42 केजी वेट है, जो सेकंड वाला है इसका 25 केजी वेट है। ठीक ठीक आई आई गाइस।